100 करोड़ से ज्यादा धनराशि से सजा माँ महालक्ष्मी का ये दरबार। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने को जा रहे हैं जिसके संबंध में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल माणक चौक स्थित माँ महालक्ष्मी का दरबार 100 करोड़ से ज्यादा धनराशि से सज चुका है। मंदिर में देश भर के लायकों ने हीरे जेवरात सोने चांदी के आभूषण नकदी श्रृंगार सामग्री के रूप में मंदिर में चढ़ाई है। श्रद्धालु माँ महालक्ष्मी के दरबार के इस अद्भुत नजारे के दर्शन आज से कर सकेंगे। धनतेरस की पूर्व संध्या पर ही मंदिर में करोड़ों रुपए से किया गया श्रृंगार अनुपम छटा बिखेर रहा है। मंदिर परिसर में इस साल समुद्र मंथन के दृश्य का निर्माण किया गया है। इसके लिए प्रांगण में पक्का निर्माण कर अस्थायी समुद्र बनाया गया है। माँ महालक्ष्मी के साथ ही मंदिर परिसर में मौजूद लक्ष्मी जी के 8 श्री रूप वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, अधि लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी का भी श्रृंगार किया है। साथ ही पूरे मंदिर परिसर को 1, 5, 10, 50, 100, 500, 2000 के नोटों की लड़ियों से सजाया गया है। इस साल मंदिर में मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात सहित अन्य राज्यों के 1200 से ज्यादा लोगों ने धन पहुंचाया है। विशेष बात यह है कि मंदिर में ना तो धन लेते समय ना ही देते समय कोई गिनती की जाती ना ही कोई वजन। मंदिर में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस से होगी। श्रद्धालुओं के लिए माँ महालक्ष्मी का दरबार सुबह 5:30 बजे से खुलेगा। रूप 14 दीपावली पड़वा व भाई दूज तक रोज माँ महालक्ष्मी का अलग श्रृंगार किया जाएगा। भाई दूज के बाद भक्त रुपए जमा करवाते वक्त दिया गया टोकन दिखाकर धन वापस भी ले सकते हैं।